मियांवाली के शहर हरनौली में हजारों की तादाद में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी समाजी रहनुमाओं और तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रैली हजारों अफराद पर मुश्तमिल थी, जो लारी अड्डा हरनौली के बाजार से घूमती हुई दोबारा लारी अड्डा अख्ताम पजीर हुई, जिसमें तमाम शहरियों ने अपने जोश का इजहार किया। और रैली के अख्ताम पर खुसूसी खिताब साहबजादा शोएब रजा कादरी ने किया। उन्होंने अपने खिताब में इंडिया को पैगाम दिया कि वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान के पैगाम अमन को कमजोरी ना समझा जाए, हम अमन के हक में हैं। हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे, क्योंकि इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बेगुनाह बासियों का खून बहेगा, इसलिए हम इंडिया के बासियों का खून नहीं बहाना चाहते। और अगर वो अपनी जारियत से बाज ना आए और इंडिया ने मजीद दोबारा बुजदिलाना हरकतें की और मोदी सरकार अपने इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी हरकतें करता रहा, तो हम इंडिया के ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। उनका मजीद कहना था, पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। ये सिर्फ 6 लाख की तादाद में फौज नहीं, बल्कि 22 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ इस मुल्क को सलामती की दिफा के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मजीद उन्होंने कहा, पाक फौज ISI और इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो मुश्किल की इस घड़ी में अपने जरूरतमंदाना बेबाकाना और अंदाज पर अमन पुरअमन तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं। अगर भारत इन सरगर्मियों से बाज ना आए तो हम भारत की नस्लें मिटा कर रख देंगे। रिपोर्टर अमानुल्ला, पावर प्लस न्यूज़, मियाँ वाली।